हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन व्लॉगर उषा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने घर में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा ग्रोसरी शॉपिंग, यानी कि महीने भर में कितना राशन मेरे घर में यूज़ होता है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, मेरे घर में आती है ये टाटा इलायची की चाय पत्ती। ये करीब मेरे 2 महीने चल जाती है आराम से, इतनी ये आधे किलो की चाय पत्ती मेरे 2 महीने चल जाती है अच्छे से। और मेरा जो सारा सामान जो है वो आता है अग्रवाल स्टोर से, तो हमारे यहाँ पे अग्रवाल की स्टोर है, वहाँ से आता है। ये हल्दी का पैकेट है, और ये हाफ के जी मैंने अरहर की दाल ली है, अरहर ही बोलते हैं ना, तूर दाल, अरहर की दाल हाफ के जी है ये, और थोड़ी बहुत जो थी वो पहले की पड़ी हुई है। तो सामान मैं उतना ही लेती जितना मुझे ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्टॉक नहीं रखती हूँ मैं चीज़ों का। और ये हाफ के जी मिक्स दाल है, दाल होगी मेरे पास 1 kg, और ये 1 kg जो है चीनी है, और थोड़ा बहुत चीनी पहले से पड़ा हुआ है घर में। और ये फॉर्चून का 1 liter फॉर्चून ऑयल है, और एक आई थिंक एक या आधा लीटर जो होगा वो अभी पड़ा होगा डब्बे में, तो मैंने 1 liter एडवांस रख लिया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और 1 liter सरसों का ऑयल है, और ये कोलगेट जो है मैं यूज़ करती हूँ, ये वाला कोलगेट, तो ये काफ़ी टाइम से जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस वाले कोलगेट को। और ये गोदरेज का साबुन है, नंबर 1 वाला, तो ये वाला साबुन लेती हूँ मैं। और इसके बाद ये है 1 kg का घड़ी कपड़े धोने के लिए। कपड़े बहुत गंदे होते हैं, इसीलिए मतलब कि बच्चे के कपड़े जो अक्सर गंदे होते हैं, और बच्चे बहुत जल्दी जल्दी कपड़े गंदे करते हैं, तो मैं मोस्टली कपड़े मतलब डेली बेस पे धोती हूँ, तो इसलिए मैं यही सस्ते वाला जो है घड़ी डिटर्जेंट यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि रोज़ डेली इस्तेमाल करना होता है इस वजह से। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ऐसी जो टिकिया होती है ना घड़ी की, ये वाली टिकिया इस्तेमाल करती हूँ कपड़े धोने के लिए। जल्दी गल जाती हैं लेकिन ठीक ही हैं, मतलब डेली बेस पर डेली कपड़े, अब वॉशिंग मशीन में तो कपड़े यूज़ मतलब धोती नहीं हूँ मैं, तो डेली धोना होता है, तो इस वजह से मैं ये छोटी वाली टिकिया रख लेती हूँ। ये बर्तन के लिए भी काम आ जाती हैं और कपड़े धोने के लिए काम आ जाती है, तो कम से कम 10 टिकिया ऐसी हैं, और कम पड़ती हूँ तो फिर मैं और मंगा लेती हूँ। और ये ली है मैंने 1/2 kg सूजी, 1/2 kg है ना, हाँ 1/2 kg सूजी ली है मैंने। कभी जैसे बाबू के लिए दलिया तो बनाती हूँ मैं, दलिया तो घर में रहती है हमेशा, लेकिन मैंने कहा कि उसका थोड़ा फ्लेवर चेंज करते हैं, तो उसको जो है मैं सूजी वगैरह कुछ वैसे बना के दूँ। और ये है छोटा पैकेट किशमिस का, जैसे कि उसको सूजी दलिया मैं मिक्स करके मतलब मैं दूँ थोड़ा बहुत खाने के लिए। और ये पंचमेवा है, और ये है काली, क्या बोलते हैं इसको, काली मिर्च, ये काली मिर्च है, ये लौंग है, और ये है बड़ी इलायची। मैं कंफ्यूज हो रही थी काली मिर्च और बड़ी इलायची में। और ये है मेरी लैक्मे की क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ, ख़त्म हो गई थी तो मैंने कहा चलो ये भी ले आते हैं। और ये बाबू का डायपर है, डायपर ख़त्म हो गया, एल साइज़ यूज़ करती हूँ मैं उसको, तो डायपर ख़त्म हो गया, तो मोस्टली अभी जो है रात के टाइम पे ज़्यादा इसका डायपर इस्तेमाल करती हूँ मैं, इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ मतलब। और यहाँ पे लेके आई हूँ मैं विटामिन ई का कैप्सूल, और इसके साथ मैं यहाँ पे लेके आई हूँ एलोवेरा जेल केसर वाला, छोटा वाला लेके आई थी अभी, मैंने कहा कि चलो थोड़े टाइम के बाद बड़ा यूज़ कर लेंगे। और ये एक क्रीम लाई थी, बाबू के फेस पे ना कुछ हो रखा है, तो उसी के लिए मतलब कुछ पता नहीं क्या होया है, मुझे नहीं पता, मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये वाली जो है ट्यूब लिखी, तो मैं ये ट्यूब बाबू के लिए लेके आई हूँ। और बस बाकी का राजमा वगैरह जो है पड़ा हुआ था घर में, और उसके साथ साथ दाल भी, सॉरी कुछ तो मतलब चावल पड़ा हुआ है घर में, चावल है और आटा है, तो मेरा जो बस इतना ही जो सामान है आता है मंथली का, मतलब ये मेरा 1-1.5 महीने का सामान है जो यूज़ हो जाएगा इसके अंदर। जैसे चाय पत्ती हो गई वो 2 महीने आराम से चल जाएगी मेरी, 2 से कभी 2.5 भी चल जाती है, 2 महीने तो चलती है आराम से। और दाल जो है, दाल मोस्टली मेरी 1 महीने के लिए 1 kg दाल इनफ है, क्योंकि दाल मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। बाबू का डायपर है, डायपर तो खैर मुझे लाना ही पड़ता है उसको हमेशा ही। और उसके बाद तेल है, तेल कम ज़्यादा हो सकता है, तेल अगर मान लो अगर मैंने ज़्यादा करके ऑयली वाली चीज़ें बनाई, लाइक पूड़ी बनाया या कुछ भी ऑयली वाले पराठे वगैरह ये सब बनाए ज़्यादा करके, तो फिर तेल ख़त्म होता है मेरा। वैसे तो ज़्यादा तेल ख़त्म नहीं होता है, मैं बहुत कम तेल वाली चीज़ें बनाती हूँ। और उसके बाद कोलगेट जो मेरा है, ये 1 महीना 1.5 महीना आराम से चलता है ये वाला कोलगेट,
तो गाइस मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं स्टोर करती हूँ, मतलब जितनी चीज़ों की मेरे को ज़रूरत होती है ना, मतलब महीने महीने में मैं उतने ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा किचन बहुत बड़ा नहीं है कि मैं चीज़ों को ज़्यादा करके स्टोर करके रखूँ वहाँ पे। तो मैं इसलिए लिमिटेड चीज़ों को ही रखती हूँ अपने किचन के अंदर, और बस इतना ही सामान है, और जो भी सामान था उनको मैंने अननेसेसरी नहीं खरीदा है। तो आई होप गाइस कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। और प्लीज़ गाइस आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, बिकॉज बहुत मेहनत से हम ये वीडियोज़ बनाते हैं, और थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा आप हमारी वीडियोज़ में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोज़ तो मैं बनाती नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिए मुझे, और चलिए वीडियो को फिर करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।